हमारे YouTube चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके और ये बिल्कुल फ्री है। हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे एक विवाहित महिला के कानूनी अधिकार। दोस्तों, हर विवाहित महिला को भारतीय कानून में अधिकार दिए गए हैं, उन अधिकारों की जानकारी अगर आपको रहेगी तो आप कभी भी आपका शोषण नहीं होगा और आपके साथ कभी भी कोई भी अन्याय नहीं होगा। तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और हमारे द्वारा बताए गए जो कानूनी अधिकार हैं उनको आप अपने जीवन में फॉलो कर सकते हैं और इन कानूनी अधिकारों का लाभ उठा सकते हैं। तो नंबर पहला, नंबर एक पे हम बता रहे हैं सीआरपीसी के सेक्शन 125 के तहत हर विवाहित महिला को यह अधिकार होता है कि अगर उसका पति उसके साथ मारपीट करता है, उसके ससुराल वाले उसके साथ मारपीट करते हैं या उसे मानसिक रूप शारीरिक रूप से प्रताड़ित करते हैं, तो वह अपने पति से अलग रहकर मेंटेनेंस की मांग कर सकती है, हर्जे खर्चे की मांग कर सकती है। तो सेक्शन 125 सीआरपीसी आपको यह अधिकार देता है कि आप अपने पति से पृथक रहकर मंथली मेंटेनेंस ले सकती हैं उससे। दूसरा है दोस्तों आईपीसी के सेक्शन 498A। आईपीसी के सेक्शन 498A के तहत जब कभी किसी महिला के पति या उसके नाते रिश्तेदारों द्वारा पति से उसकी महिला के साथ में कोई क्रूरता की जाती है, कोई मारपीट की जाती है या कोई शारीरिक शोषण किया जाता है, तो वह महिला को यह अधिकार होता है कि वह आईपीसी के सेक्शन 498A के तहत पुलिस में कंप्लेंट करवा सकती है, कार्रवाई करवा सकती है। दोस्तों, तीसरा है दहेज निवारण अधिनियम की धारा 3 और 4 के तहत अगर पति या पति के घर वालों द्वारा किसी विवाहित स्त्री से दहेज की मांग की जाती है या दहेज मांगा जाता है या उसको दहेज के लिए मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया जाता है, तो ऐसी स्थिति में हर विवाहित महिला को कानून में यह प्रावधान किया गया है कि वह धारा 3 और 4 के तहत पति और अपने उसके ससुराल वालों के खिलाफ कार्रवाई करवा सकती है। नंबर 4 है घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005। इस अधिनियम में भी महिलाओं को घरेलू हिंसा से बचाने के लिए बहुत सारे प्रावधान किए गए हैं। इस कानून के तहत अगर महिला के पति या महिला के ससुराल वालों द्वारा उससे शारीरिक या मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जाता है तो उन पर कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। तो आशा करते हैं आपको ये जानकारी लाभप्रद लगी होगी। आप हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको ऐसी ही वीडियो मिलती रहें।